Ой, не штук под сарах вот тем. तो फाइनली दोस्तों कन्नड़ा सिनेमा के रॉकिंग स्टार यश से अब पैन इंडिया के सुपरस्टार बन चुके। एक्साइटेड फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 आज अपने 20वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक हिस्टोरिकल कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है और आज ईद के दिन होने की वजह से इस फिल्म के कलेक्शंस बॉलीवुड के खान्स के ऊपर भी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन सिनेमा के रॉकिंग स्टार यश, सुपरस्टार संजय दत्त, श्रीनिधि शेट्टी और रवीना टंडन की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के 20 दिनों के इंडिया और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर किस तरह का नया रिकॉर्ड बना रही है और क्या यह फिल्म आज इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोसर फिल्म बन चुकी है या नहीं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी रॉकिंग स्टार यश के डाहट फैंस हैं, उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों 2018 में रिलीज होने वाली कन्नड़ा सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर केजीएफ चैप्टर 1 के सिक्वल यानी कि केजीएफ चैप्टर 2 का इंतजार तो सभी को था और उम्मीदें भी सभी को थी कि यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिस्टोरिकल कलेक्शन करने वाली है, लेकिन दोस्तों किसी ने सोचा नहीं था कलम भाषा में ऐसे नए नए रिकॉर्ड्स बना देगी कि वहां के रिकॉर्ड्स अब तोड़ना मुश्किल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दे चले कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 जिसने कि सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर नए नए इतिहास रच दिए हैं और हिंदी में जहां इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन 68 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेकर एक नया इतिहास अपने नाम कर लिया, तो वहीं दोस्तों केजीएफ चैप्टर 1 के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन पीछे कर दिया था। ऑडियंस की तरफ से दोस्तों इस फिल्म को जिस तरह का आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स मिला उतनी ही बेहतरीन फिल्म यह भी है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म का एक्शन, इस फिल्म की डायलॉग बाजी, इस फिल्म की लोकेशंस और इस फिल्म की कहानी ऑडियंस के दिल छू गई है। यही वजह है दोस्तों कि रॉकिंग स्टार यश और संजय दत्त की इस फिल्म ने अपने पहले ही हफ्ते में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 750 करोड़ रुपए के आंकड़ों को पार कर दिया था। ऑडियंस ने दोस्तों इस फिल्म को काफी पसंद किया, यही वजह रही कि इस फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई की और 997 करोड़ रुपए की कमाई शुरुआती 2 हफ्तों में कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों इस हफ्ते इस फिल्म के सामने बॉलीवुड की 3 बड़ी फिल्में हैं और इन तीनों ही फिल्मों की वजह से इस फिल्म की जो स्क्रीन से वो कम हो चुकी है, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी केजीएफ चैप्टर 2 अपने तीसरे हफ्ते इन तीनों ही फिल्मों पर भारी पड़ चुकी है और जहां इस फिल्म ने अपने 18 दिनों में इंडिया और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1,055 करोड़ रुपए की कमाई कर ली थी, तो वहीं दोस्तों अपने 19वें दिन इस फिल्म के जो कलेक्शंस अपडेट होकर आए हैं वो 13 करोड़ रुपए के हैं। ऐसे में दोस्तों ये फिल्म 1,068 करोड़ रुपए की कमाई अपने शुरुआती 19 दिनों में कर चुकी है, लेकिन दोस्तों आज ये फिल्म ईद के मौके पर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ खान्स की फिल्मों को ही पीछे नहीं कर रही बल्कि दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती हुई नजर आ रही है। हिंदी में ही दोस्तों इस फिल्म की आज की जो एडवांस है वो 3.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से पार कर चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा को मिलाकर आज की इस फिल्म की जो एडवांस है वो लगभग 7 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है, जो कि इस हफ्ते रिलीज हुई तीनों ही फिल्मों की एडवांस से कहीं ज्यादा अच्छी है। वहीं दोस्तों अगर मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी की बात की जाए तो आज मॉर्निंग से ही इस फिल्म के जो शो है वो 30% की ऑक्यूपेंसी के साथ ओपन हुए हैं। आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट के दोस्तों इस फिल्म के लगभग 50% से ज्यादा शो हाउसफुल चल रहे हैं। यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म आज अपने 20वें दिन सिर्फ हिंदी बॉक्स ऑफिस पर ही लगभग 9 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है, तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का आज का एक बार फिर से कलेक्शन 20 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रहा है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का टोटल कलेक्शन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1,087 करोड़ रुपए का आज हो चुका होगा और रॉकिंग स्टार यश की ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर RRR के रिकॉर्ड्स को आज तोड़ चुकी होगी। बताते चले दोस्तों आपको कि RRR ने अपने शुरुआती 20 दिनों में लगभग 1,080 करोड़ रुपए की कमाई की थी, तो वहीं दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 आज इस फिल्म से आगे निकल चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों हिंदी में आज केजीएफ चैप्टर 2 ने दंगल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी पीछे कर दिया है और ये फिल्म अब दंगल से भी आगे निकल चुकी है और 380 करोड़ रुपए के आंकड़े को आज टच कर चुकी है। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म बॉलीवुड, साउथ, हॉलीवुड और सभी जगह पर इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी है और 2022 में दोस्तों अब एक भी ऐसी फिल्म नहीं आ रही जो कि केजीएफ चैप्टर 2 के रिकॉर्ड्स को तोड़ दे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस साल कोई भी फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल